याद रहना रे नगद में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगद में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगद में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगद में चोर आवेगा। मेरा नाम गोपाल है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, जिला जयपुर है, तहसील कोटपूतली है और मैं सन 1982 से रहता हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ। खारी बावड़ी गडोदिया मार्केट है, ये गडोदिया मार्केट है, इसमें सन 1962 से मेरे ख्याल से ही बनी, पहले से ही है। हम पलेदारी का काम करते हैं, पलेदारी ये है जैसे वजन धोने का काम होता है, वजन उठाने का काम होता है। हाँ तो सुबह हम 5 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ के फ्रेश फ्रेश होके चाय पानी पी के फिर थोड़ा काम कर लेते हैं, काम करके फिर थोड़ा बीच में खाना बनाने लगते हैं, खाना वाना खा के फिर नहा धो के और आराम से थोड़ा 2 घंटे आराम करते हैं। 11 बजे मार्केट खुल जाती है, खुलने के बाद में फिर माल ले जाना और लाना होता है, फिर रात शाम को 6 बजे फिर मार्केट बंद हो जाती है, फिर खाना वाना बनाने में लग जाते हैं, फिर दोबारा माल आने ढोने लगता है, उधर से लाते हैं ले जाते हैं उस रात को, फिर 12 बजे फ्री होके फिर आराम करते हैं। गड़ौदिया मार्केट बहुत पुरानी, एशिया की सबसे बड़ी मसाले और ड्राई फ्रूट की बहुत बड़ी मार्केट है। 1937 में इस मार्केट का निर्माण हुआ था और 1937 से लगातार इसमें होलसेल का ही थोक भाव के अंदर में मसालों का और सूखे मेवाओं का व्यापार चला आ रहा है। मार्केट बहुत पुरानी है, मजबूत है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत पुराना एलन गड़ौदिया द्वारा कराया हुआ है जो कि बहुत मजबूत है। इस मार्केट में 4 फ्लोर हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बड़ी दुकानें हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी आज की तारीख में बिजनेस होता है और दुकानें बनी हुई है, सेकंड और थर्ड फ्लोर यहाँ पर रेजिडेंस पर्पज से यूज होता है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह सूरी है, हमारी फैमिली पाकिस्तान से शिफ्ट होके आई है, पहले हम बादाम में डील करते थे, अभी हम स्पाइसेस में डील करते हैं, हमारी स्पेशलाइजेशन जो है जीरे में है, पिछले 45 साल से हम जीरे में डील कर रहे हैं, जीरा जो है गुजरात से आता है, सभी दुकानदार यहाँ पे 1 या 2 या 3 आइटम से ज़्यादा नहीं डील करते, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे स्पाइसेस आते हैं, आंध्रा से मिर्ची आती है, केरला से लौंग और दूसरी दालचीनी और चीज़ें आती हैं, इसी प्रकार अमचूर जो है मध्य प्रदेश से आता है, तो डिफरेंट आइटम्स हैं सारी डील करते हैं। यहाँ पे जो माल ढुलाई की व्यवस्था है ये लेबर की तरफ से होती है, जिसको हिंदी भाषा में पल्लेदार कहते हैं, ये बोरियां उठाते हैं और ये लेबर जो है अधिकतर डेली वेजिस पे काम करते हैं या पर नग के हिसाब से काम करते हैं, यद्यपि ये लेबर नहीं हो तो काम बिल्कुल ठप हो जाता है। आगे दिक्कतें बहुत हैं इसमें, एक तो रोड यहाँ की ठीक ही नहीं है,
सुविधाओं का अभाव है यहाँ मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा सुविधा है नहीं क्योंकि रोड टूटे फूटे रहते हैं यहाँ पर, कोई सुध लेने वाला नहीं है मार्केट में भी, पानी पीने तक की सुविधा नहीं है यहाँ, लाने धोने तो दूर की बात है, ये बताओ कारोबार हो नहीं पाता है भीड़ भड़के की वजह से, ज़्यादातर भीड़ की वजह से ज़्यादा परेशान है लोग और बस यही काम है। ये मार्केट चलता तो है इन्हीं पलेदारों के भरोसे है, लेकिन पलेदारों की यहाँ किसी की नहीं चलती है। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे यहाँ आने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे बुलाना भी नहीं चाहता हूँ मैं, ये काम बहुत बेकार है क्योंकि इसमें आदमी का बुढ़ापा खराब हो जाता है, बहुत हार्ड काम होता है ये।